हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएच प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना के 6 संक्रमित मरीज बढ़े, कुशेश्वर स्थान बाजार में हुए ये पॉजिटिव, इलाका सील करने का आदेश, संख्या पहुंची दरभंगा में 139। कोरोना निगेटिव होने की पॉजिटिव खबर, 9 कोरोना कर्मवीर ने परास्त किया कोरोना को, अब एक चिकित्सक सहित 43 लोग लड़ रहे कोरोना से जंग, एक की हो चुकी है मौत। और कोरोना से बचने का उपाय, जागरूकता, सुरक्षा, मास्क और सोशल डिस्टेंस, सभी प्रखंडों के लिए जिलाधिकारी ने जागरूकता रथ को किया रवाना। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। कोरोना का ग्राफ 6 बढ़ा गुरुवार को, संख्या हो गई दरभंगा में 139। कुशेश्वर स्थान के बाजार से रैंडम सैंपल लेने के बाद 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, इस बाजार को सील करने का आदेश हुआ। कोरोना का रफ्तार देश और राज्य की बात करें तो उस हिसाब से तो नहीं, लेकिन दरभंगा में धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहेड़ी बाजार के बाद कुशेश्वर स्थान बाजार पर इसकी काली छाया, बाजार से लिए सैंपल के आधार पर 6 लोग पॉजिटिव पाए गए, इस बाजार को सील करने का आदेश हुआ है। दरभंगा में इसकी संख्या हो गई 139 और 139 लोग में 95 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 6 पॉजिटिव मिलने के बाद कुशेश्वर स्थान बाजार में खबर जैसे ही मिली हड़कंप मचा, उस इलाके को सील करने का आदेश जहां से रैंडमली सैंपल लिया गया था, 6 लोग पॉजिटिव पाए जाने की सूचना है। 139 की संख्या, लेकिन दूसरी ओर सुखद खबर, पॉजिटिव खबर ये कि जो कोरोना क्रमवीर थे कुल 11, एक पहले स्वस्थ हो गए थे और उनमें 9 और स्वस्थ हुए, इनकी संख्या हो गई 10। अब एक मात्र चिकित्सक बच गए हैं कोरोना कर्मवीर में, जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इस प्रकार कोरोना कर्मवीर को मिलाकर 95 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में अब 39 संघर्ष कर रहे हैं कोरोना से जंग में। ये है दरभंगा का अपडेट खबर। दरभंगा में कोरोना का ग्राफ 139 पर पहुंचा, लेकिन पॉजिटिव से निगेटिव आने के बाद पॉजिटिव खबर यह है कि इसकी संख्या आधे से ज्यादा है। 95 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, कोरोना को परास्त कर चुके हैं और गुरुवार को जो कोरोना क्रमवीर 11 संक्रमित हुए थे, इसमें एक ने तो पहले ही कोरोना को मात दे दी थी, 10 में से 9 लोगों ने कोरोना को परास्त कर दिया। अब एकमात्र चिकित्सक हैं जो कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, इनके साथ 42 लोग और लड़ रहे हैं कोरोना से, कुल संख्या इनकी है 43। एक की मौत हो चुकी है जो पंचो पंचायत का है, मरने के बाद कोरोना से उसकी पुष्टि हुई थी। जिंदगी के इस जंग में लगातार कोरोना को मात देने का सिलसिला जारी, 2 दिन पहले 1 दर्जन से अधिक लोगों ने कोरोना को परास्त किया था दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से और जिंदाबाद डीएमसीएच के नारे के साथ विदा हुए थे। और दूसरी ओर जो कोरोना कर्मवीर थे, कोरोना कर्मवीर हम किसे कहते हैं, जो चिकित्सक हैं, जो सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, प्रशासन के लोग हैं, सेवा देने वाले लोग किसी न किसी माध्यम से, ऐसे 11 लोग 139 में संक्रमित हुए,
इसमें एक पहले मात दे चुके, उसके बाद बचे 10 में से 9 लोग गुरुवार को कोरोना को मात देकर, कोरोना को परास्त कर घर लौटे हैं। ये बड़ी खबर, ये पॉजिटिव खबर कि इन्होंने कोरोना जो पॉजिटिव थे ये निगेटिव हुए। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इन्हें शुभकामना दी है, बधाई दिया है कि वे स्वस्थ रहें और पुनः अपने मिशन में, सेवा में, काम पर लौटे, जिन्होंने कोरोना को मात दी है। अब एकमात्र चिकित्सक बच गए हैं कोरोना कर्मवीर, जिन्होंने सेवा देने के दौरान जो कोरोना संक्रमित हुए थे, कोरोना ने इनका शिकार किया था, लेकिन अंततः जीत इन्हीं की हुई, कोरोना की हार हुई। एक जो कोरोना कर्मवीर हैं वे अन्य 42 लोगों के साथ, जिसमें 6 कुशेश्वर स्थान के नए कोरोना संक्रमित हैं, उसके साथ कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कोरोना एक भयंकर संक्रामक बीमारी है, समय एवं सतर्क रहकर ही, दूर रहकर, सोशल डिस्टेंस लगाकर रहकर और मास्क लगाकर बच सकते हैं, और इससे सुरक्षा है तो मास्क का उपयोग सबसे कारगर हथियार है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 18 जागरूकता रथ 18 प्रखंडों में गया और उन्होंने इसे रवाना किया। कोरोना से लड़ाई, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन, लगातार संघर्ष, जूझता प्रशासन, जूझती जनता, और अब स्थिति ऐसी हो गई जब 3 लाख का आंकड़ा के आसपास है पूरे देश में। ऐसी परिस्थिति में कोरोना से लड़ाई अब सुरक्षा और जागरूकता के सहारे ही संभव है, यह मान लिया गया है। दरभंगा ने काफी कंट्रोल किया है, लेकिन अब भी लोग बेधड़क घूमेंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। यूनिसेफ, WHO की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, 18 प्रखंडों में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 18 गाड़ियों को रवाना किया। अपना स्वास्थ्य धन की रक्षा खुद कीजिए, स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, जागरूक रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, कोरोना को भगाइए। जिला में अनलॉक में खास हिदायत दी गई कि घर से निकलते ही पहले चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं और लोगों से बात करते समय 2 गज की दूरी रखें। इसके बावजूद लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लॉकडाउन 5 कहें या लॉकडाउन 1, सोशल डिस्टेंस और मास्क को तो जरूरी बताया गया था, लेकिन सबको इस नियम को तार तार करती है स्थिति। देखिए, मानो सब कुछ सामान्य हो गया, सरकार ने गाड़ी को धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए कहा, लोग धीरे धीरे सब कुछ भूल गए। याद उन्हें है जिन्होंने कोरोना संक्रमित मरीज को देखा है, जिन्होंने कोरोना के कोहराम को देखा है। बाकी सब कुछ सामान्य है, जिंदगी की गाड़ी छूट न जाए ये कहना होगा, ये समझाना होगा, लेकिन किसे समझाएं। अपनी रक्षा आप स्वयं कीजिए। सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दिया है, अब आप दिल्ली मुंबई से भी आएंगे तो घर में जाएं, घर में जगह नहीं है तो एक दूसरे को कोरोना पटाएं, अगर कोरोना संक्रमित होकर आए हैं। सीधी सी बात है, सरकार 130 करोड़ भारत की आबादी, इसमें कितना क्वारंटाइन सेंटर बनाएगी। कोरोना का जो ग्राफ था, एक बांध था, वो टूट चुका है। 30 जनवरी को पहला मरीज आया था हवाई जहाज के माध्यम से, हम नहीं संभले। धीरे धीरे उसके बाद राजनीति, कूटनीति के तहत कोरोना के मरीज आते चले गए, संक्रमण बढ़ता चला गया, और ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन 1 करना पड़ा, 2 करना पड़ा, 3 हुआ, 4 हुआ और 5वां हुआ, जिसे हम अनलॉकडाउन कह रहे हैं। लेकिन अनलॉकडाउन में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। भारत में 3 लाख के करीब कोरोना के मरीज हो चुके हैं। बिहार 6000 के आंकड़ा के आसपास है। दरभंगा में 139 कोरोना के मरीज हुए, एक की मौत ने संकेत दे दिया है कि आप हमें हल्के में मत लीजिए, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं, और ये मानना भारी पड़ जाता है। लगातार शोभन की बात हो, मीर शिकार टोला की बात हो, या फिर अभी वर्तमान में पंचोब की स्थिति देख सकते हैं, जहां के लोग सब्जी तक नहीं खरीद रहे हैं, गांव में कोहराम मचा हुआ है। वह दूर नहीं है, दरभंगा शहर से 5-7 किलोमीटर दूर, दरभंगा जिला का ही एक पंचायत शिवदासपुर गांव, दरभंगा जिला का, जहां लगभग 20 लोग स्कूल में क्वारंटाइन कर रहे हैं। सब पड़ा हुआ था 24 घंटे तक,
और गांव के लोगों ने दरवाजा बंद किया, चार साहसी युवकों ने मिट्टी देने का काम किया। ये है कोरोना का कोहराम। कोरोना के कहर को समझिए, दर्द को समझिए। ये सही बात है कि हमारा वातावरण बहुत अच्छा है, कालाजार और मलेरिया प्रभावित है, जहां कोरोना वायरस को पहले इससे लड़ना पड़ता है। मौत की संख्या कम है, ठीक होने की स्थिति अच्छी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इतने बेफिक्र हो जाएं कि कोरोना आराम से हमारे शरीर में आ जाए और कोहराम मचा दे। स्थिति देखकर तो ऐसा ही लगता है, दो माह लगातार जिन्होंने कोरोना योद्धा बनकर सूनी सरक रखकर अपना योगदान दिया, उसका तार तार करता हुआ ये ग्राफ बताता है कि एक मरीज होने के बाद जितने हम अलर्ट थे, आज संख्या दरभंगा में 139 है। हम लापरवाह हैं। आपके घर कोरोना आएगा तो आपकी स्थिति क्या होगी समझ सकते हैं। सरकारी सुविधा के नाम पर क्या मिलेगा इस भीड़ में, ये आप समझ सकते हैं। आपको झेलना है, अपने जान की रक्षा आपको स्वयं करनी है। ऐसे में ये भीड़ बहुत कुछ बताती है कि आज भी मौका है, संभल जाइए, गाड़ी कहीं छूट न जाए। खून की कमी के कारण गंगा देवी की मौत के बाद जिला पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट से दरभंगा अस्पताल शर्मसार है। दरभंगा अस्पताल ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस घटना के कारण लगातार दरभंगा अस्पताल की किरकिरी हो रही। जन्म लेते ही जुड़वा नवजात के सर से उठा मां का साया। डीएमसीएच प्रशासन की लापरवाही से एक महिला की जान गई। जिला पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट से इस बात पर ठप्पा लगा है, खुलासा हुआ है। डीएम ने 5 स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ कार्यवाही के लिए सरकार को पत्र भी लिख दिया है। मृतक के परिजन ने मरीज को गलत खून चढ़ाने का आरोप लगाया था। सबसे बड़ा अस्पताल दरभंगा अस्पताल अभी कोरोना में मरीजों की सेवा के लिए चर्चा में है, लेकिन इस घटना ने उस पर धब्बा लगा दिया। अस्पताल अपनी लापरवाही से कलंकित हुआ है, बल्कि हत्यारा भी साबित हुआ है, यह दरभंगा के जिला पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट कह रही है। लगातार राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि गंगा देवी की मौत लापरवाही के कारण हुई है। ड्यूटी पर तत्काल तैनात सभी 5 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को लिखा गया। बेला की रहने वाली हीरा देवी का 17 मई से ही रो रो कर बुरा हाल है। रोते रोते आंखों के आंसू कम पड़ गए, लेकिन दिल अब भी रोने को मजबूर है। हीरा देवी की बेटी गंगा गर्भवती थी, ऐसे में उसे जब प्रसव की पीड़ा हुई तो परिवार वालों ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूति विभाग में उसे भर्ती कराया, जहां गंगा देवी ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। इसी बीच डॉक्टर ने गंगा देवी को तुरंत बी पॉजिटिव खून चढ़ाने की बात कही, तब गंगा देवी के पति ने अपना खून भी दिया। ब्लड बैंक ने भी बी पॉजिटिव खून का थैला दिया, जिसे मरीज को चढ़ा दिया गया, जिसके बाद गंगा देवी को खून रिएक्शन कर गया और मरीज के नाक से भी खून निकलने लगा, जिसके बाद मौके पर मौजूद गंगा देवी के भाई को शक हुआ। बिना समय गंवाए वह उपस्थित डॉक्टरों से संपर्क भी किया। तब तक 15 मिनट खून मरीज को चढ़ चुका था। जब डॉक्टर पहुंचे तो ब्लड को चढ़ने से रोक दिया, लेकिन मरीज की मौत को वे नहीं रोक पाए। इस घटना के बाद से डीएमसीएच पर लगातार आरोप लग रहे हैं। डीएमसीएच आरोप का खंडन करता रह गया। मृतक गंगा देवी के भाई पवन बताता है कि जब उसे शक हुआ तो चढ़ाए गए खून की अलग अलग जगह जांच कराई तो पता चला कि बी पॉजिटिव लिखे खून के थैले में दरअसल बी माइनस खून था, जो मरीज के खून से मैच नहीं किया, जिस कारण उसकी बहन की मौत हो गई। बहन के अंतिम संस्कार के बाद पवन अपने बहन के कातिल को सजा दिलाने के लिए खड़ा हुआ, लड़ाई शुरू की और डीएमसीएच की लापरवाही के खिलाफ वरीय अधिकारी को लिखित शिकायत भी की। तब दरभंगा के जिलाधिकारी ने पवन की शिकायत पर पूरे मामले की जांच कराई, जिससे साबित हुआ कि महिला की मौत अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से हुई है। डीएम ने तत्काल 5 अस्पताल कर्मी को सामूहिक रूप से दोषी पाया, कठोर कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को लिखा है। हालांकि जिलाधिकारी ने इससे इनकार करते हुए कहा कि गलत खून चढ़ाने का आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन लापरवाही जरूर सामने आई। डीएमसीएच में 17/5/2020 को एक पेशेंट आए थे गंगा देवी नामा, तो उनका खून चढ़ाया गया है, उनका खून में बहुत कमी थी तो खून चढ़ाया गया था। खून चढ़ाने के 6 घंटे के बाद उनका मृत्यु हुई।
इस पर 10 दिन के बाद हमें आवेदन प्राप्त हुआ था उनके ब्रदर के द्वारा कि इनके गलत खून चढ़ाने की वजह से डेथ हो गया। उसके आधार पर एक 3 सदस्य समिति में रियासत से गठन हुआ था, जिसमें सिविल साइड का एक वरीय पदाधिकारी थे, एक मेडिकल ऑफिसर भी थे और एक अन्य पदाधिकारी थे। तीनों मिलकर के इसको गहराई से जांच किए। जांच रिपोर्ट में यह प्रतिवेदित किया गया कि उस पेशेंट को सैंपल लेने में और सैंपल को क्रॉस चेकिंग में थोड़ा लापरवाही बरती गई थी। क्या ये गलत खून चढ़ाया गया, इस पर कहीं पुष्टि नहीं हो रही है। और उन्होंने जो सबूत प्रस्तुत किया है उनके ब्रदर ने, उसे भी यह पुष्टि नहीं हो पा रही, क्योंकि वो 20 तारीख का डेथ होने के बाद का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि डेथ होने के बाद सैंपलिंग किया गया और बी नेगेटिव का दिया गया, तो वो अलग बात है। लेकिन लापरवाही जरूर बरती गई कि अटेंडर को ही खून दिया गया है और ब्लड क्रॉस सैंपल चेक करने के लिए अटेंडर को ही भेजा गया। तो लापरवाही बरतने का पुष्टि हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम गलत खून चढ़ाने का मामला पुष्टि नहीं हुई है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सभी विरोधी पार्टियां गोलबंद हो गई है, प्रदर्शन भी हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस सेवा दल के जमाल हसन ने कहा कि पूरे मामले पर सभी दोषियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाते हुए परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग भी करते हैं कि दोषी को सजा होनी चाहिए, कोई बेकसूर इसमें नहीं फंसे। अब अपनी गर्दन बचाने के लिए कुछ लोग अगर चाहते हैं कि किसी बेकसूर को हम फंसा दें, तो ये नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज मैं डीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे डीएम, हमारे जिला के जो डीएम है त्यागराम राजन जी का, मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छे डीएम जिलाधिकारी है, जिन्होंने इस मामले पर संज्ञान लिया। आज इस परिवार की एक तरह से जीत हुई है कि कम से कम ये माना गया कि गंगा देवी जी की मौत जो है नेचुरल नहीं है, उन्हें मारा गया है। ये मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने भी इस मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाया और विरोध प्रदर्शन कर जांच की मांग की थी। बाकी अभी और भी बहुत कुछ रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैठ 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार आवास पढ़ा रहे नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। कोरोना के 6 संक्रमित मरीज बढ़े, कुशेश्वर स्थान बाजार में हुए ये पॉजिटिव, इलाका सील करने का आदेश, संख्या पहुंची दरभंगा में 139। कोरोना निगेटिव होने की पॉजिटिव खबर, 9 कोरोना क्रमवीर ने परास्त किया कोरोना को। अब एक चिकित्सक सहित 43 लोग लड़ रहे कोरोना से जंग, एक की हो चुकी है मौत। और कोरोना से बचने का उपाय, जागरूकता, सुरक्षा, मास्क और सोशल डिस्टेंस, सभी प्रखंडों के लिए जिलाधिकारी ने जागरूकता रथ को किया रवाना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 73वीं जयंती जगह जगह मनाई गई।
पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया ने इस अवसर पर भोज किया, वहीं राजद में लौटे बद्री पूर्वे भी लोगों को भोज खिलाते थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 73वीं जयंती मनी, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आयोजन किया, उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनको उनके कार्यकाल को स्वर्णिम दिनों के रूप में दो जगह भोज हुआ, ओम प्रकाश खेड़िया पूर्व महापौर और पूर्व विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी, राजद के महानगर अध्यक्ष वरुण महतो के नेतृत्व में जेपी चौक पर गरीबों को भोजन खिलाया गया। ओम प्रकाश खेड़िया ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा थे, 2 महीने से भाजपा की सरकार जदयू की सरकार गरीबों के साथ मजाक कर रही है, गरीबों का साथ देने के लिए इन सरकार की नीति के विरोध में तमाचा मारते हुए गरीबों को भोजन करा रहे हैं, गरीबों का सम्मान कर रहे हैं। गरीब लोग के आप मसीहा थे, आज हम लोग का पालन कर रहे हैं, केक नहीं काट के हम लोग को, कभी लोग कोरोना वायरस बीमारी को फैली हुई है उसका हम लोग नहीं पालन करेंगे। हम लोग गरीब लोग को खिला के और यही करते हैं कि जो अभी गरीब लोग खा नहीं पा रहे हैं उसके लोग की आप चिंता कीजिए, उसका साथ दीजिए और उनका आप आदर कीजिए, यही हम चाहते हैं। इसीलिए हम लोग गरीब लोग को यहाँ खाना का व्यवस्था किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का आज 73वां जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। उनके आदेशानुसार हम लोग आज 100-250 के बीच में हम लोग आज गरीबों को भोजन करा रहे हैं। और क्या किया है, और इस कार्यक्रम के तहत हम लोग दूसरे दल के भी लोग। दूसरी ओर विकासशील पार्टी से मधुबनी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले बद्रीपुर में राजद में लौटे हैं, इन्होंने भी भोज किया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सम्मान में कार्यक्रम तो दर्जनों जगह हुए दरभंगा में, भोज इसी दो जगह आने की करने की सूचना है। ओम प्रकाश खेड़िया मिट्ठू खेड़िया जो विधानसभा चुनाव में पिछली बार उम्मीदवार थे राजद से, इस बार प्रबल दावेदार। और दूसरी सूचना ये कि बद्री पूर्वे ने भी ताल ठोक दिया है उनकी जगह लेने के लिए भाजपा के विरुद्ध, वहां भी भोज। ये दो जगह भोज बहुत कुछ इशारा भी करता है गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव के सम्मान और अपने अपने दावे की पुष्टि। यहां महानगर अध्यक्ष वरुण महतो दिखे ओम प्रकाश खेड़िया के साथ। माननीय श्री लालू प्रसाद जी का 73वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में गरीब सम्मान, गरीबों के सम्मान के, मजदूरों के सम्मान के लिए आज जो है हम लोग केक और मोमबत्ती को इन्वाइट करके गरीब लोगों को भोजन करा करके आज लालू जी के जन्मदिन को खुशी से हम लोग मना रहे हैं ताकि उनकी आयु और बढ़े। विपक्षी दल तो वर्चुअल काम कर रहे हैं लेकिन हम लोग एक्चुअल जो काम है वो कर रहे हैं, धरती पे गरीब लोगों का मदद करना, भोजन करा करके उन लोगों को आज उनकी आत्मा को जो शांति मिल रही है, दूर दूर से जो गरीब मजदूर लोग जो आए हैं बाहर से जिनको बिहार सरकार निग्लेक्ट कर दी जिसके कारण वो लोग परेशान हो गए था। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के 6 संक्रमित मरीज बढ़े, कुशेश्वर स्थान बाजार में हुए ये पॉजिटिव, इलाका सील करने का आदेश, संख्या पहुंची दरभंगा में 139। कोरोना निगेटिव होने की पॉजिटिव खबर, 9 कोरोना क्रमवीर ने परास्त किया कोरोना को, अब एक चिकित्सक सहित 43 लोग लड़ रहे कोरोना से जंग, एक की हो चुकी है मौत। और कोरोना से बचने का उपाय, जागरूकता, सुरक्षा, मास्क और सोशल डिस्टेंस, सभी प्रखंडों के लिए जिलाधिकारी ने जागरूकता रथ को किया रवाना। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिए, कोरोना को भगाइए, सोशल डिस्टेंस रखिए, मास्क जरूर लगाइए, अपना जीवन बचाइए। नमस्कार, जय।